अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वह उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है, इसलिए विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने मुझे किताब फेंककर मारी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सिंह का मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी विधायकों की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ था। उसी के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर जमकर हंगामा हुआ है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के पांचवें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक कर मारने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कहा कि 3 मार्च को सदन के अंदर कांग्रेस पक्ष के सदस्य मेरे नेतृत्व में अध्यक्ष के विरुद्ध दिए गए संकल्प पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आवेश में आकर मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम की पुस्तिका मेरे ऊपर निशाना साधते हुए फेंक दी, जो कि मेरी टेबल के सामने आकर गिरी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष की बातों पर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि चपरासी को बीच से हटाने के दौरान किताब मेरे हाथ से गिर गई थी। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि संसदीय कार्य मंत्री मिश्रा का ये आचरण असंसदीय है। विधानसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष के रूप ऊपर इस प्रकार का हमला किया जाना अत्यंत अपमानजनक है। उनका ये कृत्य सदन की अवमानना के साथ ही विपक्ष के सदस्यों के साथ मेरे विशेष अधिकारों का हनन किया जाना परिधि में आता है, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री के उक्त कृत्य के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं। अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वह उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है, इसलिए विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस चर्चा के दौरान मैंने कहा, पहले अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय कराएं, चर्चा कब होगी। तब तक अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के लिए अनैतिक बातें करने लगे, और संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा की गरिमा और पद की धज्जियां उड़ा दी है, तार तार कर दिए। उन्होंने नियम प्रक्रिया संहिता जो हमारे प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है उसको मेरी ओर जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का एक गलत कार्य निंदनीय है। हम उनके संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध अतिशीघ्र विधानसभा में अवमानना की प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। सदन, इस प्रकार के मंत्री को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय से अपील करेंगे उनको तत्काल सदन से बाहर किया। देखिए, मैंने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है, पुस्तक मैं उसको हटा रहा था जो चपरासी था, चपरासी को हटा रहा था, वो पुस्तक मेरे हाथ से स्लिप हुई, सच स्लिप हुई, और उसके बाद भी वो लाते हैं तो स्वागत।